राजा और हिरण। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उनकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। दोनों सुनहरे रंग और खूबसूरत सिंगों वाले हिरण को देखते ही रह गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं अकेला ही इस हिरण का शिकार करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने हिरण पर निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन हिरण होशियार हो गया और बचकर जंगल के अंदर चला गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जब तक मैं उस हिरण का शिकार करके ना लौटूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। फिर राजा उस घने जंगल में हिरण का पीछा करते करते अंदर चला गया। उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अचानक राजा एक दलदल में फंस गया और वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगा। वो बहुत डर रहा था क्योंकि दलदल उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। दूर खड़े मंत्री को भी राजा की चीखें सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी वो हिरण राजा की पुकार सुनकर उसके पास आया। धीरे से अपने सिंगों को राजा की तरफ झुकाकर बोला, महाराज मेरे इन सिंगों को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया और ऊपर आ गया। फिर हिरण राजा को सफाई के लिए पास के एक तालाब पर ले गया और सुरक्षित राजा को उसके मंत्री तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजा कभी भी शिकार करने जंगल नहीं गया।